बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो यहाँ मैंने लिया है मटन मीट। तो उसको हम कुक करेंगे वेजिटेबल के साथ, यानी कॉलीफ्लावर फूल गोभी। तो इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 kg मटन मीट और एक मैंने ये फूल गोभी का फूल ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसको गोश्त को यानी मटन को अच्छी तरह धो के तो ये पॉट पे डालेंगे। और यहाँ मैंने सिर्फ 1/2 कप ऑयल का डाला है। तो हम इसको पहले इसमें थोड़ी देर कुक करते हैं ताकि इससे इसकी स्मेल ये चली जाए, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रांस में जो ये मिलता है मटन का, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। अगर इसको पहले इस तरह हम कुक ना करें तो बहुत ही ये स्मेल फिर जाती नहीं है। तो इसके लिए पहले ये हम इसकी स्मेल को दूर करेंगे। तो इसको करने के लिए हम इस ये देखें, यहाँ मैंने फ्राई किया है इसको थोड़ी देर ऑयल में, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं, अगर बड़ा आप ले रहे हैं तो बड़ा 1 अनियन जाएगा। तो यहाँ मैंने छोटे लिए हैं 2 अनियन। तो हम इसको कट करके बीच में डालेंगे और अब इसी के साथ हम मीट के साथ इसको फ्राई करते रहेंगे। इसके बाद फिर हमने यहाँ लिया है लहसुन और अदरक का क्रश की हुई या पेस्ट जो भी है, तो आप 2 टेबल स्पून उसके डालने हैं। थोड़ी देर हम लहसुन और अदरक के पेस्ट में इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके साथ ही मैंने यहाँ डाल दी हैं टोमेटो। तो यहाँ मैंने 3 टोमेटो लिए हैं लार्ज वाले। तो इसके साथ यहाँ जाएंगी 3 ग्रीन चिली, वो भी मैंने कट करके छोटी छोटी इसमें डाल दी है। तो अब इसको हम कुक करते हैं। तो यहाँ जो मैंने फूल गोभी का फूल लिया था उसको कट कर लिया है और इसको अच्छी तरह हमने वॉश करना है, क्योंकि इसमें अच्छी तरह इसको वॉश करना ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा इसमें छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो नज़र नहीं आते, तो वो अच्छी तरह वॉश करने से निकल जाते हैं। तो उसके बाद इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून यहाँ टर्मेरिक डाली है। इसके साथ अगर बॉयल करें तो इसकी अपनी जो स्मेल है, रॉ स्मेल होती है, वो इससे चली जाती है। तो वो मैंने रख दिया है दूसरी साइड पर बॉयल करने के लिए। तो इस साइड पर हमने जो पहले ये शुरू किया हुआ था मटन का कुक करना, तो इसमें मैं आप डाल रही हूँ स्पाइसेस 1 टेबल स्पून इसमें गई है, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली गई है, और ये 1/2 टेबल स्पून इसमें गई है ब्लैक पेपर, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, और ये मैंने कड़ी पत्ता के 2 डाले हैं, और सेमन स्टिक जो है वो मैंने पाउडर नहीं, मैं ऐसे ही डालती हूँ बीच में। और यहाँ पर ये मैं मटन मीट को कुक कर रही हूँ। तो इसको हमने कुक करना है जब तक हमारे ये टमाटर जो हैं ये भी अच्छी तरह गल जाएँ। तो उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी इसके अच्छे से टेस्ट को डेवलप करने के लिए, मैंने यहाँ 1/2 कप मैंने योगर्ट डाली है। तो इसको भी हम कुक करेंगे 3-4 मिनट। उसके बाद चूँकि ये हमने गोश्त को अच्छी तरह फ्राई किया, भुना तो है लेकिन अभी तक ये 100% गला नहीं है, तो इसके लिए यहाँ 1 कप पानी मैंने गर्म डाला है। तो इसको हम रखेंगे गलने के लिए। तो दूसरी साइड पे ये गोभी जो है ये गल चुकी है, तो इसको हम ड्रेन आउट कर लेते हैं। तो अब हम जो मटन मीट हम पका रहे हैं इसको हम अच्छी तरह भुनेंगे, और उस वक्त तक भुनेंगे जब तक कि इसमें की सारी स्मेल इसमें से चली जाए और जो ऑयल है वो बाहर आ जाए। जब अच्छी तरह भुन जाएगा तो उसके बाद हम ये गोभी डालेंगे। तो गोभी डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है हल्के हाथों से, और इसके बाद हम इसको फिर दम पर रखते हैं थोड़ी देर कुक होने के लिए, ताकि ये भी अच्छी तरह इसमें ये मसाले वगैरह और गोश्त का टेस्ट जो है वो सारा इसमें भी शामिल हो जाए। तो
सबसे लास्ट में इसमें जाएगा ये गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ मैंने हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। तो उसके बाद ऊपर से धनिया वगैरह डाल के तो हम इसे हमारी ये डिश फाइनल हो चुकी है। तो इसको मैं प्लेट में निकालूँगी सर्व करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज की ये रेसिपी, आसान सी रेसिपी पसंद आएगी। आप भी बनाते होंगे यकीनन, लेकिन इसको भी ट्राई कीजिएगा इस तरह बनाकर। तो मुझे उम्मीद है आपको भी ये पसंद आएगी रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।